बात करेंगे छतरपुर की, जहां पत्थरबाजों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। 16 शस्त्र लाइसेंस को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। पथराव में शामिल 16 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। एसपी अगम जैन के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने यह एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, पत्थरबाजों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। 16 शस्त्र लाइसेंस को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है और पथराव में ये सभी 16 आरोपी शामिल थे जिनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। एसपी अगम जैन के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की और सभी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। आपको बता दें, उन आरोपियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे। तो देखिए, छतरपुर में पत्थरबाजी हुई थी, हालांकि इस पत्थरबाजी को लेकर सियासत भी जोरों पर हो रही है और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई उस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन भी देखिए लगातार सख्ती बरत रहा है और सख्ती बरतते हुए अब जो 16 आरोपी शामिल थे पत्थरबाजी में उनके शस्त्र लाइसेंस को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। सख्ती बरतते हुए एक और कार्रवाई की गई है, लगातार एक्शन प्रशासन का जारी है। दूसरी ओर देखिए, इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई लोगों पर एक्शन अब तक लिया जा चुका है। संवाददाता सुबोध त्रिपाठी हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सुबोध, लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सख्ती बरती गई है। जी ऋतु, बिल्कुल, आपको बता दें, जो बुधवार को हमला हुआ था, कोतवाली थाने में हमला हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसके बाद 46 नामदर्ज और 150 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उसके दूसरे दिन ही एक आरोपी के घर, शहजाद हाजी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने ईंट का जवाब जो है वो बुलडोजर से दिया था। उसके बाद अब लगातार कार्रवाइयां प्रचलन में हैं, अभी राशुका की भी कार्रवाई प्रचलन में है। इन सभी आरोपियों पर जो अभी फरार हैं उनके खिलाफ फरारी के लिए इनाम भी घोषित हो सकते हैं। और वहीं इसी क्रम में SP अगम जैन के प्रतिवेदन पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल जो हैं उनके द्वारा 16 आरोपियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 16 आरोपियों में ये अब वर्तमान का अपराध तो है, कई पूर्व के अपराध भी हैं उसमें निलंबन की कार्रवाई हुई है, जिनकी कई लोगों के अलग अलग शस्त्र थे वो सभी शस्त्रों को निलंबित कर दिया है। शहजाद हाजी के घर पे भी जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तब 2 बंदूकें उनके यहाँ भी मिली थी, पुलिस ने वो भी जब्त कर ली थी। तो लगातार हम बता दें कि जो कार्रवाई है वो पुलिस की प्रचलन में है, कई आरोपियों के यहाँ धरपकड़ भी की जा रही है, दबिश भी दी जा रही है। अभी तक 22 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और कई आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पार्टियां रवाना है, कई टीमें SP अगम जैन ने बनाई हुई हैं। उनका कहना है कि छतरपुर में शांति बनी रहेगी, कल जो चुकी शुक्रवार की नवाज थी इस कारण से बुलडोजर की कार्रवाई रुकी हुई थी, हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए। जी बिल्कुल, आने वाले समय में बुलडोजर की कार्रवाई होगी या नहीं सुबोध, ये भी देखना होगा क्योंकि सियासत लगातार इस मामले पर जारी है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।